जय हिंद दोस्तों, फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इज राजदीप व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग में मेरी पूजा पाठ हो गई। मैं बार बार बाहर देख रही हूँ, कोई मुझे कोई देख तो नहीं रहा, तो पूजा पाठ मेरा हो गया है। और ये देखिए, अब हर रोज़ तो पूजा पाठ आपको क्या दिखाते, तो मेरा पूजा पाठ हो गया है, टाइम हो रहा है 11:30। और आज है मंगलवार, नवरात्रि का दूसरा दिन। तो मैंने सुबह सुबह उठ के नहा धो के और पूजा पाठ कर लिया, और अब चले हैं किचन की तरफ। बच्चों का एग्ज़ाम था, बच्चे स्कूल भी गए थे, वंश का भी था और रिद्धि का भी था, तो वो दोनों एग्ज़ाम दे के भी आ गए और अब मैं चल रही हूँ। वो लोग आ गए हैं, उन लोगों के लिए कुछ बनाते हैं, और मंगलवार भी है तो अजीत भी घर पर है, तो उनके लिए भी कुछ बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खाओगे। अभी मैंने मॉर्निंग में खाना बना लिया था, क्योंकि दीदी को, पापा को, ये लोगों को खा पी के जाना होता है। लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसे नाश्ता नहीं बनाया था, और मैंने इनसे पूछा कि क्या खाओगे, अगर चाउमीन खाओगे तो चाउमीन बनाए या कोई और नाश्ता, तो इन्होंने कहा नहीं अभी आज कुछ नहीं मुझे। मुझे खाना है, मुझे सिंपल पराठा दे देना, मैं पराठा बनाऊंगी, नमक लगा के, ये लोग बहुत प्रेम से खाते हैं, तो वो पराठा बनाने जा रहे हैं और बच्चों का भी खाना निकालेंगे। बच्चों को पराठा वराठा ही खाएंगे अभी, क्योंकि फिर शाम दोपहर तक खाते हैं, फिर दाल चावल वगैरह। तो फटाफट पहले हम नाश्ता का तैयारी कर लेते हैं। रिद्धि तो कुछ कुछ खा चुकी है, क्योंकि रिद्धि तो 10:15 आ गई थी, बस अभी आया है और वो चेंज कर रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, अब चलते हैं, थोड़ी सी चाय बनाएंगे और पराठे बनाएंगे, और ये सारे बर्तन रखे, इसको धुल के साफ कर लेंगे, तो आगे अपना काम बढ़ाते हैं। सो कल का व्लॉग किसने देखा, किसको पसंद आया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए, और ढेर सारे लोग देखा करिए, और उसमें एक छोटा सा प्यारा सा कुछ भी कमेंट करिए, तो मुझे जैसे लगे कि हाँ मेरी भी फैमिली तो बढ़ रही है। मैं इतना, मतलब इतने दिल से आपको फैमिली मानती हूँ, तो अगर आप लोग उस तरीके से मुझे भी तो प्यार करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी चीज़ें करती कंट्रोल रहूँ, और अच्छे अच्छे ब्लॉक लाती रहूँ। सो फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, वो कर लेते हैं, नाश्ता से बनाते हैं। लेकिन जो मेरे चैनल पर नए आए होंगे, वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे, और वो बेल आइकन, जो भी सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते फटाफट काम करते हैं, ओके फैमिली, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले खाना, फिर उसके बाद कुछ कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। फैमिली ये देखिए, मैं किचन में आ गई, तो मुझे भूख लगी थी, प्रसाद मैंने जो चढ़ाया था कल वो मैं खाने लगी। मुझे केला बहुत 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 पसंद है, मैं मोस्टली अपने फास्ट में केला ही खाती हूँ, तो केला मैं खा रही हूँ और अपनी साड़ी को सही कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे कोई लोग जज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने उतनी अच्छी नहीं आती, मैं बहुत 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 कम साड़ी पहनती हूँ, तो बस किसी तरह लपेट लेती हूँ। कुछ साड़ियाँ तो मुझसे बनती नहीं है, जैसे कि ये साड़ी ना, इससे बड़े बड़े जो फ्लावर दिए ना, ये एकदम शोल्डर के पास आते हैं, तो ये मुझसे बनता नहीं है। लेकिन ये साड़ी मेरी बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो ये साड़ी, मेरी अप्रैल में शादी हुई थी और मेरा मई में बर्थडे था, तो मई में अजीत ने ये मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। तो नई शादी में समझ नहीं आता ना कि क्या क्या गिफ्ट दें, तो उन्होंने ये साड़ी मेरे लिए लाई थी, इसलिए मेरी बहुत, मतलब मोस्ट फेवरेट साड़ी है ये। जैसी भी है, किसी को पसंद आती है नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो बस फटाफट काम करते हैं, और काम करने के बाद फटाफट चाय नाश्ता बनाएंगे। और अभी मैं दिख नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे पहले कैमरा सही करना पड़ेगा, ये मैंने सही कर लिया कैमरा अपना, और जो 2-3 केला है वो भी खाऊंगी अभी, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले
फटाफट काम कर लेते हैं, चाय वाय बनाते हैं क्योंकि अजीत बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। और वंश भी नहा धो के तैयार हो चुका है, आया था अभी, मुझसे कहा था कि मम्मी मेरा खाना वहीं पे पहुंचा दीजिएगा, तो फटाफट बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये मैंने तावा अपने पराठे के लिए चढ़ा दिया और गाना गुनगुनाते हुए, क्योंकि मैं वैसे भी जब ऐसे खाली रहती हूँ ना तो मुझे गुनगुनाने की आदत है। मैं बहुत अच्छा गाना तो नहीं गाती, मेरी मम्मी तो हमेशा मना करती थी कि प्लीज़ कभी गाना मत गाना क्योंकि मैं इतना बुरा गाती हूँ, लेकिन फिर भी जब गुनगुनाती हूँ ना तो मुझे लगता है वाह मैं तानसेन से कम नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं अपने गुनगुनाते अपने कामों को कर रही हूँ, जो बर्तन धुले रखे हुए थे उसको धुल लेते हैं और तावा भी चढ़ा दे, जब तक धीमे धीमे तावा गर्म होगा, चाय खोल रही है, तब तक ये सब काम हम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जो भी मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे, जिससे कि और भी मुझे ढेर सारे व्यूअर्स मिले और फैमिली मेरी बढ़ती रहे और मैं सफलता की राह पे बढ़ती ही रहूं और जल्द से जल्द सफलता मुझे मिले। और उन अगर सफलता मिल जाती है तो उन सब के लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट जरूर करूंगी, लेकिन बस एक बार सफलता मिलने की देरी है। तो ऐसे भी अभी तक भी जो भी सफलता मिली है वो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उस सब चीज़ों के लिए जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी भी उतने ही के लिए जो जो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको मेरे दिल से थैंक यू कि कुछ ना कुछ ने तो आप लोगों ने मुझ पर देखा ही होगा, जो आपको पसंद आया होगा तभी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो अभी मेरे 650 सब्सक्राइबर हैं, अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है वीडियो पे आए हुए, यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन फिर भी इतनी भी सफलता इतने दिनों में मिल गई तो मैं उसी के लिए आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एंटिक वीडियो नहीं ला पाती हूँ जैसे कि और यूट्यूबर्स लाते हैं। मैं सोचती तो हूँ लेकिन अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके काम वाम करना और सजे करना इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ होपफुली कि आप माइंड नहीं करते होंगे मेरे डेली ब्लॉग्स जो आते हैं उसको ढेर सारा पसंद कीजिए, ढेर सारा शेयर करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड लोगों को भी भेज दिया करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया करिए, यूट्यूब पे वो फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से करके आप मुझे प्रमोट किया करिए, क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट के बिना तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता ना। तो इस तरीके से आप लोग ढेर सारा प्यार कर सकते हो मुझे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। तो अभी किचन का काम निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। शाम रात के 8 बज चुके हैं और मम्मी पापा गए हैं, मेरी चचिया सास जो है ताई सास हमारी उनकी बेटी की ससुराल इनविटेशन देने। तो मम्मी पापा है नहीं, अजीत अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, वंश डांस क्लास से आ चुका है और डांस नहा धो रहा है, अब हम उधर चलते हैं चाय वाय बना पीते हैं। दीदी कुछ कुछ बना रही है खाने में, देखते हैं क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है, फिर चलते हैं खाना बना लेते हैं और
चाय पी लेते हैं फटाफट, शाम का समय हो गया, चाय पीने का तो मन तो कर ही रहा है, तो चलते चाय बना लेते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी मौज पे हमने वीडियोस बनाई है, वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करिए, जो जो मुझे यहाँ पे देखते हैं वो मौज पे भी मेरी आईडी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे भी आप लोग जाके मुझे ढेर सारा प्यार कर सकते हो। तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाएं और मेरे हर सोशल मीडिया लिंक को लाइक करें। तो चलते हैं पहले उधर किचन की तरफ, देखते कि क्या हो रहा है। लड़ाई लगवा दीजिए आप लोगों को। हमने ये देखे, मैं चाय ले ली हूँ और दीदी ने बनाया है, तो चाय पी रहे समय दीदी भी चाय रख के अभी उधर थोड़ा कुछ काम से गई है। और इधर इधर सब्जी बन रही है आज, आलू गोभी की सब्जी। तो इधर मसाला दीदी ने छोंक दिया है, मसाला धीरे धीरे होगा, तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। अभी पापा लोग हैं नहीं और अजीत भी नहीं है, तो सब कोई मतलब अभी हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं कुछ कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस वही बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। तो फटाफट आज खाना बना लेते हैं और फिर उसके बाद मम्मी लोग आ ही जाएंगे, अभी आधे घंटे में आ जाएंगी, क्योंकि जो है नंद उनका जो ससुराल है वो लोकल का है, और लोकल में आपको पता है ना कि जैसे कि अगर बेटियों के ससुराल में अगर कुछ कहना होता है तो उनके घर जाके कहना होता है, उनके सास ससुर से, केवल बेटियों से तो कहने से होगा नहीं, इसलिए मम्मी पापा बिफोर गए, क्योंकि दीदी लोग जो है वो नोएडा में रहती हैं और उनके सास ससुर जो है वो यहाँ रहते हैं, तो हुआ कि पहले सास ससुर को कह देते हैं और फिर दीदी को भी मतलब कह दिया जाएगा, तो इस वजह से वो मम्मी लोग गई हैं वहाँ, तो आ जाएंगी। अब कहीं जाओ तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, नवरात्रि का सेकंड दिन भी समाप्त हो गया है, आज शाम को एक्चुअली मैंने पूजा नहीं की है, दीदी ने पूजा की, दीदी ने कहा मम्मी भाभी मैं पूजा कर लूँ, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि वैसे भी इनका इस घर में आखिरी मतलब आखिरी नवरात्र रहेगा, अगले साल से तो वो अपने ससुराल में करेंगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है आप कर लो। तो वो पूजा वूजा कर दी थी, तो अभी मैंने इसलिए नहाया वहाया नहीं है, अभी खाना वाना बन जाएगा, मैंने सोचा सब्जी दीदी बना देंगी तो रोटी मैं बना लूँगी, तो वो करने के बाद ही मैं आगे कुछ काम करेंगे, मतलब नहाए वहाएँगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं कि अभी और क्या करेंगे। इधर खाना पीना बन गया और इधर मैं आ गई हूँ, मैंने नहा धो के थोड़ा पूजा भी कर लिया है, थोड़ा करना था आरती वारती तो दीदी ने कर दी थी, तो आज मैंने केवल ऐसे पूजा कर ली, और अभी दीदी को पढ़ा रहे हैं। दीदी पढ़ रही हो क्या? और वंशु आज उदास है, वंशु क्यों उदास है नहीं पता, क्या हुआ वंशु? वंशु कल किस चीज का पेपर है रिद्धि? कल मुझे नहीं पता। हिंदी का रिद्धि, आप हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं? कल किस चीज का पेपर है रिद्धि? हिंदी। सभी कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मैंने बता दिया तो कहती फिर से पूछो फिर से पूछो। तो फैमिली बस पढ़ा वढ़ा के खा पी के जल्दी जल्दी बच्चों को सुलाएंगे, क्योंकि लेट हो जाता है तो सुबह सुबह बच्चे उठ नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत देते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा। ओके फैमिली, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।